आज मैं दिखाने जा रही हूँ अपना ब्लाउज कलेक्शन। जल्दी बोल। हर हर शंभू, हर हर भंगू। चल, तू तो घर में हो तो कमरे में घुसा रहा है यार। ये अरे नहीं यार, कहना ना, ये कहना है। ये घेवर आया है, ये आ जाओ, तुम्हारे लिए घेवर आया है। सोनम दे के गई है। अच्छा, ये करिए, पाई को घेवर ले जाइए। थैंक यू सोनम जी, मैं खा लूंगा। हाँ, मैं खाऊंगा। थैंक यू। उनकी ज्वेलरी की भी शॉप है और उनका घेव मिठाई की भी है। और बहुत अच्छा, मुझे तो घेवर पसंद भी है, बहुत पसंद है। तुम्हें घेवर पसंद है? और इनके यहाँ दोनों ही चीज की है। अच्छा, मेरे ज्वेलरी की सोनम के दोनों है। तुम जिस दिन घेवर खाना चलो ना, तो मेरे को ज्वेलरी दिलवा दी। सोनम आऊंगी मैं किसी दिन बहुत जल्दी। पाई को लेके आऊंगी तो ये मेरे को कुछ दिलवाएंगे भी। ठीक है, वादा। हाँ, भगवान जी के लिए निकालती हूँ, इसमें से भोग निकालूंगी। हम ना कोई भी मिठाई कहीं से भी आती है तो पहले भगवान जी के लिए रखते हैं, फिर अपने पितरों के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं। देखो, पहले मैंने मिठाई लेके आई थी, मैं लड्डू लेके आई थी सुबह, तो लड्डू रखा है भगवान जी के लिए। अब घेवर रखा है, ठीक है, और ये हमारे पितरों के लिए। मैं इधर रख देती हूँ, सुबह चढ़ा दूंगी। ये पितर देवताओं के लिए पूरा पीस। हाँ, इतना खा ले हो गए। खा लो, पूरा पीस उठाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय के साथ टी और बारिश के साथ। बारिश हो रही है। बारिश देखो इतनी, मतलब सुबह से ही बारिश हो रही है, तो हमें वॉक करने जाना है। तो कैसे जाए वॉक करना है? बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बारिश सुनकर फिर हम वॉक के लिए जाए और कबूतरों का दाना लेके जाएंगे। और अपने डॉग्स जो है ना बाहर हमारे इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें वॉक करा के लाएंगे, क्योंकि वो जाएंगे नहीं, वो हमारे इंतजार करते रहते हैं हम कब बाहर आए और कब हमारे साथ जाए। और एक ये रहा बाबू, ये तो बाबू जाएगा गाड़ी में बैठ के यूपी में घूम रहे। बाबू की तो बात ही निराली है। तो मैंने यहाँ की घर की पूजा कर ली है, अब मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि आज शिवरात्रि है, तो भोले बाबा को जल चढ़ा के आती हूँ और सबको आशीर्वाद भोले बाबा जी की तरफ से, सारे भगवान जी की तरफ से, सब आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। आज शिवरात्रि भी है और देखो दर्शन करो मंदिर के, और नीम करौली बाबा के भी दर्शन करा, बोलो। ये सबको आशीर्वाद मिल चुका है, अब हम जा रहे हैं मंदिर, तो मंदिर में दिखाएंगे चल के कैसे पूजा करेंगे। मुझे यहाँ आकर पता पड़ी, आप नहीं बताइए मुझे 15 तारीख शिवरात्रि है। कोई बात नहीं, जल चढ़ाइए भगवान जी को मन से रखा जाता है। व्रत को ये नहीं है खाने पीने से कुछ का होगा, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होने चाहिए व्रत के, पूजा के, भगवान जी के लिए। तेरे भाव है तो भगवान जी स्वीकार करेंगे तेरा व्रत। हाँ, मेरे लिए कुछ बोल दी ना। सब्सक्राइबर नहीं बन रहे मेरे। 6 लाख हुए अभी। बुआ जी के फ्रेंड से बोल, फ्रेंड लोग सभी बहन भाइयों से अनुरोध है, बुआ जी को जितना फॉलो व्यू फ्यू सब ले, इतने आज बन मिलियन कर ही दो। करी दो भाई, देखो अजय कह रहा, अजय की तरफ से रिक्वेस्ट है ये। हाँ, बिल्कुल है, और आज शिवरात्रि भी है तो। हाँ, भोले बाबा सबको आशीर्वाद देंगे खुल के, बन के लिए ना हो जाने दिए आज। ठीक है, चलो तो मंदिर चलो। ठीक है, गोलू जा रहा है और अनिकेत हमारे अम्बू। हम चले मंदिर, अब पूजा करेंगे और दिखाएंगे। आज आराम से शांति से पूजा करेंगे थोड़ी देर बैठ के। ऐसा क्यों बोला आपने? नहीं, ऐसा ऐसे ही बोला कि अभी ने जल्दी जाना था, पाई नहीं है। पाई की वजह से मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी ना जाना भी होता है, ऑफिस बाहर जाना होता है मीटिंग में, तो जल्दी जल्दी हम कर आते हैं। तो आज थोड़ा सा टाइम है क्योंकि ये पहले चले गए, तो आराम से बैठ के पूजा करते हैं थोड़ी देर। साईबा आवे, लेट ही आएगा। चलो कर लो पूजा। अब तोड़ते हैं समी थोड़ी की, समी लेने के भोले बाबा की समीना प्रिय है।
ये माँ से पुत्री जय हो, माँ के पास बनाए रखना, सब पे ही तुझे पास बनाए रखना, चंद्र माँ चंद्र घंटा जय हो, माँ चंद्र घंटा की सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। और ये हो ब्रह्मचारिणी, ये पूरी नवग्रह कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा के दर्शन करो, माँ कात्यायनी, कात्यायनी माँ के दर्शन करो, आशीर्वाद लो, माँ कालरात्रि का दर्शन, महागौरी जय हो, महागौरी की, महागौरी की आशीर्वाद, माँ सिद्धिदात्री जय हो, माता रानी सब अपनी कृपा बनाए रखना माँ, सब अपनी कृपा बनाए रखना माँ, सब अपना आशीर्वाद करो। तो हम मंदिर से आ चुके हैं पूजा करके, और ये देखिए क्योंकि पिछली बार ना मतलब बोल रहे थे लोग कमेंट में कि हम एक पॉलिथीन में रख के क्यों लाए भगवान जी का सामान, हम उसमें रख के नहीं लाए क्योंकि ये हमें मिली नहीं थी, अब हमने ढूंढ ली, अब हमने इसी में रख लिया, ऐसा नहीं है कि भगवान जी का सामान हम पॉलिथीन में रखते, हमने एक अच्छी सी बास्केट ली हुई है। A few moments later, हाँ इससे अच्छा तो अपना घर ही चले जाते हैं। अपना घर कौन सा? डीएलएफ हमारा दूसरा घर, डीएलएफ अच्छा थे, हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत लोवर, लेकिन ये तो बताओ अभी आप ना, मैं तो ऐसे ही आऊंगा आपको तो पता ही, आप ये बताओ अपने ऑडियंस को पहले अभी कहाँ जा रही हो कपड़े पहन के, कहाँ तैयार हो? देखो मैंने ये मेरा ये लुक है आज का, आज मेरा फास्ट है तो मैं जा रही हूँ आम लेने, तो आम खाने अभी कटिंग करके फिर आम खाएंगे ना, चू चू का खाऊंगी, बताओ कैसे खाऊंगी एकदम देसी। अच्छा कितने तरीके का आम होते हैं ये बताओ पहले, आम मेरे को लंगड़ा दशहरी चौसा, दशहरी लंगड़ा चौसा पता नहीं बस निकल गया वा? तीन तरह के पता, चलो देखते हैं उससे पूछेंगे, ठीक है चलकर हाँ। जल्दी मम्मी चलो आम ले खा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कमेंट में कि करण नहीं आ रहा, करण नहीं आ रहा ब्लॉग पर, किसी के में नहीं आ रहा, शिकायत बहुत जगह से है, तो ये लो ये आ गया, तेरे मारा या तो संडी के मारा, मैं थोड़ा सा कम आता हूँ ना। अच्छा अच्छा ऑडियंस बताएगी मुझे कि अगर मैं सैंडी को ऐसे ब्लॉग्स बना के भेजूँ तो मुझे देखना पसंद करेगी या फिर मतलब ऐसे चल रहा है? चल तू तो घर में हो तो कमरे में घुसा रहा है यार, ये नहीं कहना, नहीं नहीं ये कहना है भाई, इससे कहा बाहर को निकले, थोड़ा बहुत मेरे साथ ब्लॉग व्लॉग बनाए बाहर को निकले, कर कुछ नहीं निकले कर बाय, मैं सोच रहा कहीं गया हुआ सब गया हुआ दिखा, मुझे ना पता ही लेटा पड़ा। आम ले लो जितने भी खाए, अभी देखो जो मैंने नाम बताया चौसा वही है, चौसा जो मम्मी इतना बोलती हुई आ रही थी कि ये आम वो आम, यहाँ के था उससे पूछ रही हो कौन कौन से तरीके के आम होते हैं, मैंने ये पूछा है जैसे चौसा लंगड़ा दशहरी तीन आम तो मैंने बताई दिए, तो इसके पास है चौसा और एक और बताया इन्होंने कोई नाम मुझे याद ना आई भाई, इतने आम हो लंगड़ा चौसा उस पर वो दिखा, एक हो सफेदा, सफेदा आम याद कर रही थी, डाल के पाल के, डाल के पाल के तो मतलब पाल के अच्छे लगे, डाल के ज्यादा ही पिलपिले से हूँ। अच्छा तुझे कौन से अच्छे लगे? मेरे को ऐसा कोई तू बताइए अपना ना, तू बताइए क्या बताऊँ, आम कितने तरह के हो? डाल के पाल के लंगड़े दशहरी चौसा, ये तो मैं नहीं बताती है तो यही मैं बताऊंगा। अच्छा अब अगर पांच ही कलर के, अगर अब मुझसे कोई पूछे कि रेनबो में कितने कलर होते हैं तो मैं बोलूंगा सात, आप कहोगे सात तो मैं ही बता रही हूँ, तो भाई जब उसमें है ही सात तो हर कोई सात ही बताएगा ना, आम तो और भी है, अच्छा आम तो और भी है, एक और आम होता है बहुत महंगा, गाइज आप बताना उस आम का क्या नाम होता है, मुझे नहीं पता, एक बार न्यूज आई थी बहुत पहले की किसी का उसमें छोटे मोटे प्लांट थे उस वाले आम के, और उसने उनको बचाने के लिए दो बॉडीगार्ड भी लगाए थे अपने, बहुत बड़े बहुत महंगे आम है, और शायद ऐसा कुछ सुना है मैंने, रेड कलर के होते हैं थोड़े से, वो ऑडियंस बताएगी अब क्या होता है। और ये ले लिए हैं आम, और सुनो ये ले लिए हमने आम, और हमारा भैया फास्ट फास्ट है और आम खाने के लिए तैयारी इतनी देखो, और ये आज ही आज का है, या तो ऐसा होगा अगले 11 दिन खाना है, ये आज आज का है, बगल प्लेट खाओ काट काट के एकदम मीठे मीठा, तुम भी खाया था ना, तुम इसलिए आया, वैसे तो तुम आता ना। तो ये देखिए शाम का कितना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, कितनी हरियाली हो रही है, मतलब आज तो बारिश नहीं है इतनी, सुबह तो हुई थी हल्की सी बारिश, अब नहीं है, अब अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, मेरा मन हो रहा है कि थोड़ा मंदिर की तरफ जाऊं, और आज मेरा फास्ट भी है, तो आज मैंने देखी, और आज मेरे लोग बताइए आज मैंने ये कोट सेट पहना है तो कैसा लग रहा है देखिए, एक बस मतलब प्यारा सा डिजाइन इधर और इधर, बाकी एकदम सिंपल,
तो अच्छा लगता है, सोबर और सिंपल चीजें अच्छी लगती हैं। तो और बताइए और मैं क्या क्या करूँ, कमेंट में मेरे को कुछ बताएं। मैं अपनी कुछ मतलब बचपन की बातें बताऊँ आपको, अगर आपको सुनना है, आपको मेरी बचपन की बातें मतलब जाननी है, तो मैं आपको कुछ अपनी बचपन की बातें बताऊँ, मतलब कैसी थी मेरी बचपन में लाइफ, शादी के बाद कैसी थी, आप अगर जानना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, एक बार में नहीं बता पाऊँगी, तो धीरे धीरे बताऊँगी। आप देखिए कमेंट में बताइए मुझे। अभी पहले आप अपना कलेक्शन दिखाओ थोड़ा सा, चलो आओ। किस चीज़ का कलेक्शन दिखाना है? आपने बोला था ना उस दिन थोड़े ब्लाउज साड़ी ये सब दिखाओगे। मैं दो तीन हल्ला कर लेती हूँ बैठ पर। आज मैं दिखाने जा रही हूँ अपना ब्लाउज कलेक्शन, तो मैं आज बहुत ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, बस 10-15-20 लेके आई हूँ ब्लाउज, वो दिखाती हूँ, ठीक है। तो एक देखिए रेड ब्लाउज, ये मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी कराई है सब पे, ये एक ये देखिए रेड, ये देखिए एक ये देखिए मेरा ब्लैक एंड वाइट, बस छोटा सा बूटा पीछे, और ये देखिए। आप ये कहेंगे कि मेरे पास ब्लैक कुछ ज्यादा ही है, मेरे को मतलब फेवरेट है मेरा ब्लैक, ये देखिए ऐसे पहनेंगे तो कितना प्यारा लगेगा ये ब्लाउज, ठीक है। ये ग्रीन, और ये देखिए गोल्डन, ये मैंने हाफ हाफ करके बनवाया है, तो बहुत ही प्यारा लगता है जब किसी भी साड़ी पहनो ना, गोल्डन पहनो, रेड पे पहनो, ग्रीन पे पहनो, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये देखिए एक ये मैं इसका फैब्रिक लेकर आई थी, और ये मैंने बनवाया इस टाइप से। अब इसकी जब मैं स्लीव्स ऐसे पहनूंगी तो ऐसे पूरा डिजाइन ऐसे 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 जिग जग आता है, बहुत प्यारा लगता है। अभी ये मैंने पहना कोई नहीं है इसमें से, ठीक है। और ये देखिए एक ये मैंने बनवाया इस पर छोटा सा डिजाइन, ये देखिए मेरा ब्लैक, ये मैंने रेडी टू वेयर मंगाया, रेडी है, ठीक है। और ये देखिए ये किसी शादी में पहन के जाओ, बहुत ही प्यारा, ये तो आपने देखा, ये भी मैंने पहना था, ठीक है। ये देखिए ये एक मैंने ग्रीन साड़ी बनवाई है इसके लिए, ये वाला ब्लाउज पहनूंगी जब मैं ग्रीन साड़ी पहनूंगी, ये देखिए बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन है मेरे पास ब्लाउज का। और अभी ये पूरा नहीं दिखाया, बस मैं 10-20 ब्लाउज लेकर आई हूँ, ये देखिए अभी तो ये और भी रखे हैं, आज के लिए इतना ही ठीक है। दिखाऊंगी तो मैं पूरा मेरा कम से कम कई ब्लाउज के कलेक्शन में निकल जाएंगे, तो आप कमेंट में बताना कैसे लगे आपको। और इन पर मैं मतलब डिफरेंट साड़ी पहनती हूँ, जैसे ये है तो मैं इस पर ब्लू भी पहन सकती हूँ, ग्रीन भी पहन सकती हूँ, मस्टर्ड भी पहन सकती हूँ, ऐसे किसी पे कोई भी पहन लो, बहुत ही प्यारा कलेक्शन है। आपको कैसा लगा बताइए कमेंट में बताना कि आप अगला कलेक्शन क्या देखना चाहेंगे, मैं वही दिखाऊंगी, कुछ भी साड़ी सूट ड्रेस वो दिखाऊंगी। और ये मम्मी का व्लॉग चल रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है, फाइनल टच देते हुए, फाइनल देखते हुए ठीक है सब, शीरो चेक कर ले, कर लिया सब ठीक है, शीरो देख लो जल्दी बता दे, कर लिया भाग गया। चलिए आज का ब्लॉग होता है यहीं पे एंड, और आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और लोग ब्लॉग तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। ब्लॉग मैं अच्छा बना रही हूँ, और जो मतलब आप बोल रहे हो कि ये दिखाओ वो दिखाओ वो भी मैं कर रही हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।